हेलो फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यह जो है शिफ्ट हम लोग कौन सा ले रहे हैं। यह शिफ्ट जो है 28 मार्च 2016 का सेकेंड शिफ्ट का हम लोग शिफ्ट कर बात कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट लेवल पर आधारित है। यह एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और मैं इसके साथ करंट अफेयर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित का भी डिस्कस करने जा करूंगा इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोला है। 100 मिलियन किसके बराबर होता है, 100 मिलियन किसके बराबर होता है, तो 100 मिलियन किसके बराबर होता है, तो 100 मिलियन जो है 10 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। तो 100 मिलियन बराबर कितना होगा, 100 मिलियन बराबर जो है 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 करोड़, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। अगर विद्युत आवेश के अलावा आपको अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बोलेगा तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक तो इसका एंगस्ट्रम है। प्रतिदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, लक्स है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। बोलेगा प्रेरक का ऐसे मात्र क्या है, तो हेरनी है। फिर उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्र क्या है, वेवर है। विभवांतर का ऐसे मात्र क्या है, वोल्ट है। दाब का ऐसे मात्र क्या है, पास्कल है। कोण का ऐसे मात्र क्या है, रेडियन है। अगर शक्ति का ऐसे मात्र पूछ देगा तो वाट है। बल का ऐसे मात्र क्या है, तो न्यूटन है। आप लोग ये सब जानते ही होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डाटा आपको दे दिया गया है। मॉडल कार का है, जो तीन मॉडल दिया हुआ, जिसमें मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3। मॉडल वर्ष भी दिया हुआ इसमें, 1990 से 1995। फिर 1995 से 1996 से 2000। फिर 2001 से 2005, 2006 से 2010, 2011 से 2015। ये मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो इसमें बताना है, ये क्वेश्चन को बढ़िया ध्यान से देख लीजिए। किस अवधि में कार की कुल वृद्धि 1 लाख से अधिक रही है, तो इसमें फ्रेंड्स टेक्निक होता है। यह जो है इसमें टेक्निक क्या, किस अवधि में कार की कुल वृद्धि 1 लाख से अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, ये 1990 से 1995 में हो सकता है, ये 1996 से 2000 में, 2001 में, 2005 में। तो आपको लास्ट वाला यानी पहला डिजिट ही देखना है, जैसे 1941, 6, ये देखिए। तो ये इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर 27, 35, फटाफट इस सब को देख लेना, 7, 42, 32, 8, 62, 68, 21, 9, फिर 91, 91, 46, 91। देखिए यहाँ पे 91, 116 और यह 10, तो 91, 16, 10, ये 91,000। तो ऐसे डायरेक्ट लग रहा है 91,000 है, 16,010 है। अरे ये सब तो 27, 35, 7 है, 42, 32, 8 है। तो हमको लगता है 2011 से 2015 में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो 2011 से 2015 वाला ही क्या होगा, आंसर होगा 2011 से 2015, मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह 91,000 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। उसी टाइप से ये मॉडल दिया हुआ है और इसमें इसको पढ़ के समझना है, क्या इसमें समझना है कि उपयुक्त तालिका के आंकड़ों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सवालों के उत्तर दें, तो इनमें कौन निश्चित रूप से गलत है, कौन निश्चित रूप से गलत है। तो पहला ऑप्शन में बोला है गलत है कि कंपनी का मॉडल 2 परेशानी, कंपनी का मॉडल 2 परेशानी है। दूसरा बोल रहा है लगता है कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है, लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। मॉडल वन ये वाला था, अधिक ध्यान दे रही है। मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि दर ऊंची है, मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि दर ऊंची है। चौथा ऑप्शन में बोला कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा बढ़ती जा रही है, तो ये क्या बोला फ्रेंड्स, तो ऐसा कोई कंपनी नहीं करता। जब भी कंपनी करेगा तो सभी पर जो है सभी पर ध्यान देगी। लगता है कि मॉडल
वन की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। इसमें क्या बोला, गलत कौन सा है? तो कोई भी जो कंपनी होता है तीनों पर अधिक ध्यान देती है, ऐसा नहीं है कि मॉडल वन पर अधिक ध्यान दे रही है। तो लगता है कि कंपनी मॉडल वन की बिक्री दर पर ध्यान अधिक दे रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। इसमें बोला है मॉडल थ्री, मॉडल वन, टू, थ्री, इनमें बिक्री आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? तो बोला ये सब दिया हुआ डाटा, देख लीजिए 2011 से 2015 की अवधि में मॉडल वन और मॉडल टू की बिक्री हिस्सेदार की कितना अंतर है? मॉडल वन और मॉडल टू, मॉडल वन में 2011 से 2015 मॉडल वन में 91 है, फिर ये क्या मॉडल टू में 16,400 है, ये दोनों का अंतर बिक्री दर में अंतर कितना है, कितना प्रतिशत का अंतर है? तो इसको इसमें घटाएंगे, तो इसको इसमें घटाने के बाद कितना आएगा, 91,600 में जब 16,400 घटाएंगे तो देखिए जीरो में जीरो गया, जीरो हो गया, फिर क्या हुआ, जीरो में जीरो गया, जीरो हो गया, फिर ये सिक्स में फोर जाएगा तो क्या बचेगा, टू, फिर उसके बाद वन में ग्यारह में छः जाएगा तो क्या बचेगा, चार, ग्यारह में छः जाएगा तो बचेगा चार, ये चार लिख दिए, सॉरी ग्यारह में छः जाएगा तो पाँच ना बचेगा, ये पाँच होगा, सॉरी पाँच होगा, ये क्या होगा पाँच, ये वाला गलत हो गया, ये क्या हो गया पाँच होगा, यहाँ पर ये क्या होगा पाँच, तो ये ऑप्शन जो है पाँच हो जाएगा, पाँच ओमिट ये रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसको डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं। देखिए ये 91,000 था, कितना था 91,000 और ये 91,600 और ये 16,400 था, तो इसको इसको घटाएंगे तो क्या होगा, डबल जीरो, डबल जीरो, सिक्स में फोर जाएगा तो क्या बचेगा दो, ग्यारह में छः जाएगा तो बचेगा पाँच, और नाइन में वन जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आठ, आठ में एक जाएगा तो क्या बचेगा सात, आठ में एक जाएगा तो सात, 75,200 बचा। अब इसमें क्या भाग देना है, तो मॉडल्स 2011 से 15 की अवधि में, 2011 से 15 मॉडल वन, मॉडल वन पहले बोला कितना अंतर है, तो मॉडल वन को पहले लिखना, नीचे में लिखना पड़ेगा 91,600 मल्टीप्लाई 100, परसेंट है तो परसेंट निकालने के लिए 100% देना पड़ेगा, इसको इसको काटेंगे, जब इसको से डिवाइड करिएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 63.7% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 63.7%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र मिल्क पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध और वह चाय दोनों पीते हैं, आपको बताना है कि दूध और चाय दोनों पीते हैं, तो कैसे बनाएं फ्रेंड्स, तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक है, क्या पहले देख लेते 54 छात्र की एक कक्षा में, एक ही कक्षा है जिसमें से 54 छात्र में से कुछ छात्र जो है मिल्क पीते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है चाय पीते हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, और आपको मालूम करना है कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इसमें मिल्क, मिल्क पहले कितना, पहले टोटल स्टूडेंट कितना है 54 जो है 54 स्टूडेंट, इसमें से मिल्क कितने पीते हैं, मिल्क जो है आपके 24 पीते हैं, फिर उसके बाद चाय कितने पीते हैं, टी मतलब 28 स्टूडेंट जो है चाय पीते हैं, और कुछ नहीं पीते, नथिंग मतलब दोनों में से कुछ नहीं पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो ये 8 स्टूडेंट जो है दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं, तो हमको निकालना है कि मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, मिल्क और टी पीने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8 4 12 2 हाथ रही लेख 2 2 4 1 52, यानी 52 स्टूडेंट जो है मिल्क और टी दोनों पीते हैं, टोटल स्टूडेंट कितना है 54, और इसमें जो चाय और दूध दोनों नहीं पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं 8 हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो है ना 52 24 28 और ये 8 जो छात्र जो है कुछ नहीं पीते हैं सबको जोड़ना पड़ेगा, इस सबको है ना जोड़ना पड़ेगा, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो इस सबको स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा 24 8 और 28, इस सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए
आठ चार बारह, बारह आठ बीस की जीरो, हाँ त्रेल दो, बारह आठ बीस की हाँ त्रेल दो, दो दो चार दो हाँ त्रेल छः, तो इतना क्या 60 स्टूडेंट में से जो है आपका 54 स्टूडेंट कुछ ना कुछ मतलब पीते हैं, तो 54 60 में जो 54 जाएगा तो कितना बचेगा 6 स्टूडेंट, तो ये 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, अगर इस मेथड से आप नहीं समझे तो आपको हम दूसरे मेथड से बना के समझा रहे हैं। दूसरा मेथड मतलब क्या हो गया कि 54 छात्र में से मान लेते 54 क्या है स्टूडेंट, 54 स्टूडेंट में से 54 छात्र मिल्क पीते हैं, यानी 24 छात्र मिल्क पीते हैं, यहाँ मिल्क लिख देते हैं 24 छात्र। फिर कुछ छात्र जो है 28 छात्र जो हैं चाय पीते हैं, टी पीते हैं, 28 छात्र क्या पीते हैं टी पीते हैं, और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 छात्र नथिंग मतलब कुछ नहीं पीते हैं, इसको नोट लिख देते हैं। और कुछ छात्र जो हैं दूध और चाय दोनों पीते हैं, ये वाला जो कॉमन पार्ट है यही वाला पार्ट को हमको निकालना है। तो 8 कितने छात्र मिल्क और दूध दोनों पीते हैं, तो पहले 54 और 28 को जोड़ेंगे कि देखेंगे कितना दोनों चाय पी रहे हैं, तो 8 4 12 के 2 हाँ त्रेल एक, 2 2 4 1 5, 52 छात्र जो हैं दूध और चाय दोनों पीते हैं लेकिन 54 स्टूडेंट हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो 52 ये दोनों को जोड़ने के बाद हो गया, अब 54 टोटल स्टूडेंट है, 54 टोटल स्टूडेंट में से 8 को घटा देंगे कि 8 जो नहीं पीते हैं, तो 54 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 54 में 8 जाएगा तो 14 में 8 जाएगा तो 46 स्टूडेंट जो है मतलब कुछ पीने वाले हैं, कुछ पीने वाले, तो 46 टोटल स्टूडेंट हुए, और 46 स्टूडेंट में से और 52 स्टूडेंट जो है कुछ मिल्क और चाय दोनों पीते हैं, तो कितना स्टूडेंट बचा जो कुछ नहीं पीते हैं, तो 52 में 46 को घटाना पड़ेगा, देखिए 52 में 46 को घटाना पड़ेगा, 52 में ये जो 52 है में 46 घटाइएगा तो कितना आएगा 2 और 4 6 स्टूडेंट जो है मतलब मिल्क और दूध दोनों पीते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक बस एक घंटे में 12.25 की दूरी तय कर सकता है, तो इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये बहुत सिंपल है, बोलेगा 1 किलो का दाम 2 रुपया, तो 5 किलो का दाम कितना होगा 10 रुपया, तो उसी टाइप से एक घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो दो इतना घंटे में कितना दूरी तय करेगा, दोनों को गुना कर देंगे, 12.5 60 2 62, तो 62/5 लिखेंगे गुना 62/5, और 4 2 8 और 3 8 3 11/4, इसको हल करिए, 2 के टेबल 4 के टेबल में 2 बार में और 2 के टेबल में इसको हल करने 3 और 1 31। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा 34.1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, ये सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना उम्मीद है आप पर। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट लोग के लिए, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 34 16 4 डैश आपको ये गुना डैश भाग प्लस माइनस भाग प्लस डिवाइड प्लस प्लस डिवाइड माइनस दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का ये ट्रिक है। सबसे पहले हम डिवाइड को टेक करते हैं, डिवाइड को लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इस क्वेश्चन पर अप्लाइड करके कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, तो सॉल्व करने का ये ट्रिक है कि पहले डिवाइड को लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ 4 4 डिवाइड बाय 12, ये तो बटे के रूप में हो रहा है, तो ये भी 4/16, ये भी डिवाइड बटे के रूप में हो जाएगा, लेकिन इस डिवाइड देखिए यहाँ पे जो डिवाइड है बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 4 16 और 4 के बीच में, 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है 4 बार में, 34 4 कितना हो गया 34 और 4 34 38, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ 38 में जब 12 घटाएंगे तो कितना 8 में 2 जाएगा 6 3 में 1 जाएगा 2, 26, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया सही, तो ये क्या हो गया सही हो गया, तो ये वाला मेरा काम कर रहा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। इसमें क्या बोल रहा है, शीतकालीन
शीतकालीन 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? शीतकालीन 2018 के जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल यह योंगचांग में, पियोंगचांग में किया गया था। योंगचांग गलती लिख दिया है, पियोंगचांग होता है। तो ये 2018 के खेल किए गए थे, लेकिन अभी 2018 तो बीत गया, लेकिन अभी करंट अफेयर में एक तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आएगा 2020 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो 2020 में आयोजित किया गया फरवरी महीना में, चीन के बीजिंग शहर में आयोजित किया गया था। अगर ग्रीष्मकालीन, अगर शीतकालीन का स्थान पर ग्रीष्मकालीन पूछ देगा तो क्या करेंगे? ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेल का आयोजित किए गए थे टोक्यो जापान में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। जो चाप वायलिन के साथ है वही प्लेकुट्रम पत्ती का है, वह किस, मतलब चाप जो है वायलिन से, जो चाप का वायलिन के साथ है वही पत्ती का क्या काम है? तो यह सितार का काम है। यानी चाप जो है वायलिन से बजता है उसी तरह पत्ती किससे बजता है? तो सितार से बजता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका मेरे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके। आज मैं 10 क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेली बाय डेली SSC CGL, SSC CHSL, RRB, NTPC, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेशन लाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यह ऑफिशियल पेपर से मैं सॉल्यूशन करता रहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों फ्रेंड को मेरे साथ जोड़ें, इसके लिए धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लाल वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।